हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो फिर आज नए वीडियो के साथ आप लोगों से मैं मिलती हूँ, और बहुत ही यूज़फुल ये वीडियो है क्योंकि बहुत लोग जानते भी हैं लेकिन बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं बताऊँ तो ये है क्या। तो इसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसे कहते हैं वन कंचू। एक होते हैं कंचू के पत्ते, एक होते हैं वन कंचू के पत्ते, जिसको बहुत लोग नहीं भी जानते हैं कि इसको भी खाया जाता है। लेकिन आप इस तरह से अगर बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा खाने में। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब सारे पत्ते को जो है ना अच्छे से धो के इसको जो है ना 10 मिनट बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद जो है ना इसको अच्छे से पत्ते पे पत्ते रख के लपेट के इसको लंबे पीसेस में कट कर लिया है। और कट करने के बाद आपको बेसन ले लेना है। बेसन में सारे मसाले पाउडर मिला के, मसाले मिला के आपको बड़े प्यार से लपेटना है। लपेट के जो है इस तरह से तेल के साथ फ्राई करना है, और इसको बहुत कड़क तरीके से फ्राई करना है। देख सकते हैं जो कि सारा तो मेरा हो गया है, ये थोड़ा सा बचा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है ना तल के रेडी हो गए हैं, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। तो यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे फिर जो है ना अब आते हैं मसाले की बारी। तो यहाँ पे तीन मैंने प्याज लिए हैं, और इसको कट करके यहाँ प्याज पहले फ्राई हो रहे हैं। मसाले के अनोखी बात है, इसमें राई भी पड़ता है, यानी कि सरसों भी ऐड कर सकते हैं आप, मतलब करने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप जो नॉर्मल सब्ज़ी में मसाले यूज करते हैं उसके साथ आप सरसों ऐड कर दीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए मसाले, प्याज फ्राई करने के बाद जो है ना मसाले को भी अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पे जो है ना इसमें थोड़े प्याज, थोड़े मसाले, थोड़े ऑयल की क्वांटिटी आप थोड़ा सा आप ज़्यादा करके दीजिए सब्ज़ी के एवन में, तो आप बहुत ही मज़ेदार लगेगा आपको ये खाने में। तो हम लोगों ने भी पहली बार ट्राई किया और सोचा कि अगर अच्छा बनेगा तो आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे और दोबारा भी बनाएंगे। तो वाकई में बहुत ही अच्छा बना था। तो यहाँ पे मसाले फ्राई होने के बाद जो है ना फिर आपको ग्रेवी डाल देना है, और ग्रेवी को अच्छे से पकाना है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो इसको ग्रेवी के साथ पकाना नहीं रहता है, बस 5 मिनट पहले इसको डाल के गैस को ऑफ करना रहता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ही ग्रेवी अच्छे से पक गया, यानी कि एक ही साथ जल चुका था, फिर इसको जो है ना 5 मिनट पहले इसको डाल के बस एक उबाल होने तक गैस को कर देना है ऑफ। तो यहाँ पे जस्ट अभी गैस को मैंने कर दिया ऑफ, और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा, कितना टेस्टी टेस्टी तल दिखने में लग रहा है, और खाने में भी उतना ही टेस्टी लगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं आप लोगों को चला के दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिए।